और यकीनन आप तमाम की यहाँ पर हजारों की तादाद में मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला जमालपुर वार्ड में और जमालपुर विधानसभा में एक नई तब्दीली पैदा होगी, एक नया सियासी इनकलाब लिखा जाएगा। और आप तमाम लोगों की मौजूदगी से मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला जमालपुर से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा और यहाँ से भाजपा को हम एक मिलकर एक बुरी शिकस्त उनको देंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डेढ़ घंटा मैंने जनाब सलीम साहब और साबिर काबलीवाला साहब के साथ जमालपुर वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों का, गलियों का, अहम मुकामात का हमने दौरा किया, यहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की, यहाँ के बुज़ुर्गों से हमने मुलाकात की, यहाँ की हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से हमने अपनी बात उनके सामने रखा, यहाँ के गयूर नौजवानों ने इस दौरे में हमारा साथ दिया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग माँ और बहनों ने मुझे जिस मोहब्बत से नवाजा वो मोहब्बत मेरे लिए कीमती सरमाया है। अल्लाह मुझे जब तक ज़िंदा रखेगा मैं उन बुज़ुर्गों की और हमारी बुज़ुर्ग इज़्ज़तदार माँ और बहनों की मोहब्बत को अपने लिए एक ख़जाना समझकर ज़िंदगी भर उसकी हिफाजत करूँगा। मैं उन माँ और बहनों को यकीन दिलाता हूँ, उन बुज़ुर्गों को यकीन दिलाता हूँ कि जो मोहब्बत और एतमाद और जो भरोसा आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर किया, हम इंशाअल्लाह ताला आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम आपकी मोहब्बत की लाज रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जानों के नजराने भी पेश करके आपकी इस मोहब्बत और शफ़क़त की हिफाजत करेंगे।